हेलो, मेरा नाम है चंद्र हास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। डेटा इंटरप्रिटेशन से पार्ट टू है और आज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो टेबल डीआई के क्वेश्चंस हैं वहाँ से। तो शुरुआत में हम एक सिंपल सा टेबल डीआई का क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने लिया हुआ है। इसको हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेबल डीआई से, और टेबल डीआई के वेरिएशन जो हैं वो आगे के पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये एक टेबल सी बनी हुई है इसलिए इसको टेबल डीआई कहते हैं। इसमें दिया क्या गया है टेबल, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2003, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद स्टेट दिया गया है पी क्यू आर एस, ऐसे स्टेट दिए गए हैं। और इसमें जो बीच में ये जो 5.4, 6.5 ये दिखाया गया है, ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है कि हर स्टेट से कितने व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है, उसका ये आंकड़ा दिया गया है। ओके, और ये जो आंकड़ा है ये आपका टन में होगा। ओके, तो वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये टन में आपका आंकड़ा होगा। अब इसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि हर साल कौन से स्टेट से कितना आंकड़ा आपको लेना है। अब यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, लिखा गया है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन स्टेट क्यू फ्रॉम 2005 टू 2007। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेट क्यू के लिए 2005 से 7 में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वो आपको बताना है। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज 2005 में, देखिए तो ये कितना है, तो ये है 6.5, और इसी स्टेट का 2007 में कितना है, तो वह है 7.1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और जब क्वेश्चन में लिख दिया गया परसेंटेज इंक्रीज तो आपको ऐसे ही समझ में आना जाना चाहिए। अगर नहीं लिखा होता तो आप यहाँ से कंपेयर करके देख लेते दोनों आंकड़ों में क्या बड़ा आ रहा है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। अब निकालना कैसे है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा परसेंट चेंज वाला, जो हमने पढ़ा था ना परसेंट चेंज, तो वही लगेगा। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो ये फाइनल वैल्यू होगी 2007 की, इनिशियल वैल्यू क्या होगी 2005 की। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि फाइनल वैल्यू डिफरेंस होगा इनिशियल वैल्यू के, और अपॉन में क्या होगा इनिशियल वैल्यू, और इनटू में क्या होगा 100। अब फाइनल वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 7.1, इनिशियल वैल्यू कितनी है 6.5, अपॉन में क्या आ जाएगा 6.5, इनटू में क्या हो जाएगा 100। इसको अगर आप सॉल्व करिए, अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आएगा, तो यह आ जाएगा 0.6 का, अपॉन में क्या हो जाएगा 6.5, इंटू में क्या हो जाएगा 100। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो अगर देखिए तो ये बच जाएगा 600 और बटे में 65। आपको निकालना क्या है अप्रॉक्सीमेट, जब क्वेश्चन में लिखा रहे कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो आपको उसको एकदम एग्जैक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको अगर चाहिए तो 5 से कट कर लीजिए, कितनी बार में चला जाएगा 13 बार में चला जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 5, एक बार जाएगा 5 दो नहीं 10, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 120 आ गया। तो आपको पता है 13 9 कितना होता है 117 होता है, तो 9 टाइम से जाएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 होगा 30 हो जाएगा, 13 दो नहीं 26, तो लगभग 9.22% का यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब ऑप्शन आपके सामने जो रहे, 9 रहे तो आप उसको टिक कर दीजिए, सबसे पास का ऑप्शन जो मिले। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये 9.2 है। अब जो परसेंटेज इंक्रीज होगा बहुत अगर कम रहे, 5 या 6 रहे, तो उसको आप टिक नहीं करेंगे। वैसे तो आपने काफ़ी पास की वैल्यू निकाल ली है, तो ऐसे आपको निकालना है। ये समझना चाहिए क्या आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है। और यहीं पे अगर आप परसेंटेज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई वाला अगर निकाल लेते तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ ऑल द फोर स्टेट्स इन 2005 एंड 2006 टुगेदर। आपको 2005 और 6 में एवरेज व्हीट प्रोडक्शन निकालना है सारे स्टेट्स का, किसमें 5 और 6, मतलब आपको ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आपको डिवाइड करना है किससे, स्टेट हैं 4 और 2 साल का, 4 दुनी 8 से डिवाइड करना है। तो आप इसको ऐड करिए, जब भी एवरेज प्रोडक्शन पूछा जा रहा है तो आपको ऐड करना है। बस कुछ लोग होंगे जो 2005 का ही निकालेंगे, कुछ 6 का निकाल लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसको ऐड कैसे करना है, आप पॉइंट वाले ऐड कर लीजिए, जैसे ऐड करते हैं हम 6 5 11 11 5 16 16 2 18 18 4 22 2 24 24 और 8 32 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो ये आ गया 8 और 3 चला गया, 4 3 7, 7 6 13 13 4 17 17 और 9 26 26 और 4 30 5 35
35 में हम 8 जोड़ेंगे तो 43, तो कितना आ गया 43। तो 43 और पॉइंट एक अंक के बाद तो 43.8 आ गया, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 8। कितनी बार कट जाएगा, एवरेज निकालना है, तो 8 × 5 = 40, तो पूरा का पूरा हो जाएगा, 38 बचेगा। कितना कितनी बार जाएगा फिर ये, 8 × 4 = 32 होगा। फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 8 × 7 = 56 करेंगे, 8 × 5 = 40, पूरा का पूरा कट जाएगा। एवरेज कितना जाएगा इसका, 5.475। ये क्या गया 2005 और 6 में चारों स्टेट का एवरेज। तो टेबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो एवरेज वाली सवाल होती हैं कई बार वो काफ़ी लेंदी हो जाती हैं, टेबल में एवरेज निकालना कई बार लेंदी होती हैं, क्योंकि ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपको दिखा रहा हूँ मैं, अभी और क्वेश्चंस हम देखेंगे तो देखेंगे कैसे ये लेंदी हो जाता है। तो कई बार अगर लेंदी हो जाए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि होता आसान है निकालना, ऐड करना है, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है निकालने में, तो आप उसको स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को। ज़रूरी नहीं DI के 5 के 5ों क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन लेंदी लगे, जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत समय लग रहा है, आपको नंबर तो एक ही मिलना है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, एवरेज के जो क्वेश्चन लेंदी लगे आप उसको स्किप कर दीजिए। लेंदी का मतलब जिसको आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय मैं 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप उसको स्किप करिए। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ ऑल द 4 स्टेट्स इन ईयर 2004 टू दैट इन 2008। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि आपको 2004 और 2008 के सभी चारों स्टेट्स का जो व्हीट प्रोडक्शन उसका रेशियो बताना है। तो आपको बस ध्यान रखना है रेशियो कैसे पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले 2004 ऊपर लिखना है, बटे में क्या निकालना है 2008, उसको आपको नीचे लिखना है, ताकि आप इसी रिस्पेक्ट में इसको लिख सकें आंकड़ा। कई बार उल्टा हो जाता है, तो हम 2004 को ऐड कर लें कि ये टोटल है कितना, तो 5, 5, 10 और 6, 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 24, 2 बचेगा, 6, 2, 8, 4, 12, 4, 16, 3, 19 कितना आ जाएगा 19.4 डिवाइडेड बाई 2008 में कितना है, देखिए 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 5, 1 बचेगा 4, 2, 6, 8, 6, 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 20, कितना आ गया 20.5, तो दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, कितना बच गया ये, तो ये आपका आ गया 194/205। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आपका रेशियो आ जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे डेटा दिया रहे वैसे ही आपको रेशियो निकालना है, 2008 को ऊपर 2004 को नीचे नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम स्टेट आर इन ऑल द ईयर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम पी इन ऑल द ईयर्स। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है आर और पी की वैल्यू क्या है वाई के रूप में। आपको क्वेश्चन पहचानना है कि व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन, समथिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग एल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हमने निकाला था, तो ये था एक्स अपॉन में वाई इंटू में 100। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होगा आर की पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ऑल द ईयर्स पूछा है, मतलब आपको ये पूरी टेबल इसको पूरा आपको ऐड करना है आर के लिए, और ऐसे ही आपको पी के लिए करना है। ओके, मतलब आपको यहाँ पे एडिशन वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपको एडिशन करना है। तो आर अपॉन में पी इंटू में 100 ये आपको निकालना है। अब सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, आर को आप ऐड कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, 6, 2, 8, 8, 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21, 7, 28, 2, 30 ये आपका आ जाएगा 0, 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए तो ये 4, 4, 4 कितनी बार है 5 बार है, 4, 5, 6, 20 हो जाएगा, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 31 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो 31 ही बचा, डिवाइडेड बाई पी के लिए ऐड कर लीजिए, 5 और 4, 9, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19, 5, 24, 24, 5, 29। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, और पॉइंट और 9 आने के बाद 29, 2 बचेगा, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13 और 4, 17, 17, 4, 21, 21 और 8, 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32। तो ये आ गया आपका 32, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 32.9 और गुणे में कितना आ जाएगा 100। अब आपको निकालना है व्हाट परसेंट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे 32.9 है तो पूरा एग्जैक्टली तो नहीं ही निकाल सकते हैं, और अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत, अगर देखिए तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये आपका 100% से कम ही आएगा अंतर, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट आप हटा दीजिए तो ये 310 बनेगा और नीचे क्या बनेगा 329, केवल 19 कम होगा। तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, मतलब अगर करना चाहें तो, वरना जो भी 9 के आसपास की वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो कई बार आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखेंगे जो भी 9 के आसपास की वैल्यू है उसको आप टिक करके आसानी से बढ़ जाएंगे कि इतने परसेंट है
इसका बस इतना ही आपको करना है और कुछ करना नहीं। और अगर आप चाहते नहीं एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए तो आप अगर कट रहा है तो काट के देख लीजिए, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए। ये आपका 329 होगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये मैं 3100 अगर पूरा ले लूँ, इस 100 को भी ले लूँ, कितनी बार जाएगा? जाहिर सी बात है आपका 10 बार तो जा नहीं सकता है, आपका 3290 हो जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा, तो 9 बार लेके जाएंगे, कितनी बार जाएगा? 9 9 81, 9 2 18, 18 8 कितना हो जाएगा? 26, 6 बचेगा 2, 9 3 27, 2 29, ये आ गया आपका, घटा लीजिए, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 6 गया 3 आएगा, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 147, फिर ये आ गया 0, अब कितना हो गया? ये आपका आ गया 1390, कितनी बार जा सकता है देखिए, तो ये 4 3 12, लगभग 4 बार हम ले जाके देखें जाता है कि नहीं, तो 4 9 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 2 8 3 11 हो जाएगा, 4 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, तो ये आपका चला गया कितनी बार? 1316 बार, घटाएंगे समथिंग वैल्यू आएगी, फिर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 94.2 समथिंग परसेंट आपको आंसर मिलेगा। टिक करके आप आगे बढ़िए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ ऑल द फोर स्टेट्स टुगेदर इन 2005 एंड दैट इन 2008। आपको 2005 और 2008 में व्हीट प्रोडक्शन में डिफरेंस कितना है ये आपको निकालना है चारों स्टेट का। तो आपको सबसे पहले 2005 में कितना व्हीट प्रोडक्शन हुआ है वो निकालना है, फिर 2008 में कितना हुआ है वो निकालना है, और फिर दोनों को घटा लेना है। तो आपको 2008 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही यहाँ पे 2008 के लिए निकाला था कि व्हीट प्रोडक्शन आपका कितना हुआ था, अभी ऐड किया था कि नहीं, 20.5 आया था। तो आपको केवल एक ही वैल्यू निकालनी है, वो है 2005 की। यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि जो वैल्यू आपने निकाली हुई एक बार, उसको दोबारा फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि उसको यूज़ नहीं करना है, या फिर उसकी जगह कोई नई वैल्यू ना दी जाए। तो आप 2005 को निकाल लीजिए, 6 5 11, 11 5 16, 16 2 18, कितना जाएगा? ये आ जाएगा 8, फिर 1 बचेगा तो ये 5 हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24, तो कितना गया? 24, तो कितना गया? 24.8, और ये कितना है? ये है 20.5, घटाइए कितना जाएगा? ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना बचेगा? ये बचेगा 4, तो कितना गया? 4.3 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है चारों स्टेट्स का। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें हमने देखा कि परसेंटेज चेंज निकालना है, क्वेश्चन समझा कैसे परसेंटेज चेंज निकलता है। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमने समझा कि एवरेज कैसे निकालना है और कौन सी वैल्यू का निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, कठिन नहीं होगा, और अगर एवरेज निकालने में बहुत टाइम लगता है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन जो था वो आपका रेशियो का था, और यहाँ पे हमने सीखा कि रेशियो को कैसे आपको लेना है, जो वैल्यू पहले दी गई है उसको ऊपर, जो वैल्यू बाद में दी गई उसको नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे सेलेक्ट करना है, वरना क्वेश्चन आप सही करते हैं बस उसको आंसर गलत कर देते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमने सीखा कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई वाला जो फॉर्म है इसको आप कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे उसका एडिशन करना है, पहचान लेंगे, लिखा हुआ है समथिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ कुछ भी प्रोडक्शन होते हैं, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, कुछ और होता तो कुछ और की बात होती, व्हाट परसेंट ऑफ वाले टर्म में जो है तो उसको आप पहचानना सीखे, और यहाँ पे कैसे करना है ये आपने सीखा। उसके साथ साथ हमने ये भी समझ में आया कि अगर हम इसको सॉल्व ना भी करते तो हम ये समझ गए थे ये 310 है बटे में 329 है तो ये 100 से कम ही आएगा इसका परसेंट, तो और जितने भी ऑप्शन होते जो 105% लिखा होता वो तो नहीं हो सकता था, या फिर 104% लिखा होता वो भी नहीं हो सकता था, क्योंकि जो इसका परसेंट है वो तो कम होगा। तो ये हमने सीखा, अगर निकालना होगा तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कट नहीं रहा है तो, वरना आप डायरेक्ट डिवाइड करिए, आपको कुछ भी कट पिट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। और पांचवा क्वेश्चन था डिफरेंस के ऊपर, और यहाँ पे हमने सीखा कि जो वैल्यू आपने पहले निकाल ली है उसी को आपको फिर से यूज़ करना है, उसके लिए आपको फिर से उसको निकाल के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया टेबल डायग्राम के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन था तो सिंपल ही था, बहुत कठिन नहीं था, जो नए लोग हैं उनको समझ में आया होगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है, इतना डेटा भी सिंपल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ना तो क्वेश्चंस इतने सिंपल आएंगे, ये तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेलर सा था कि आप क्या पढ़ने जाने वाले हैं आगे आने वाले पार्ट में। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कुछ इससे टफ क्वेश्चंस, और ऐसे हम लेवल बढ़ाएंगे, पहले हम टेबल डीआई देख लेंगे, उसके बाद हम पाई चार्ट देखेंगे, फिर हम लाइन डायग्राम देखेंगे, ऐसे करके हम सारे पार्ट्स को ख़त्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको क्या नहीं समझ में आया ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपसे मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।